नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। खबरें फटाफट देखते रहिए दोस्तों। आज के मुख्य सभी समाचार, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। 25 साल की उम्र होने पर आपके बच्चों को मिलेंगे 13 लाख रुपए। दोस्तों ये स्कीम LIC की है। कुछ समय पहले अपने नए प्लान के बारे में जानकारी देते बताया था कि LIC कैसी योजना पर काम कर रहा है, जिसमें सभी ग्राहकों को लाभ मिल सकेंगे। LIC ने उसी को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की है, जिसको बताया है कि अगर इस योजना का लाभ उठाएं दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ग्राहकों की बड़ी खुशखबरी, 399 रुपये वाला प्लान मिलेगा मात्र 399 रुपये का प्लान जियो ने लॉन्च कर दिया। दोस्तों रिलायंस जियो के आगमन से भारत टेलीकॉम क्षेत्र में इंटरनेट कॉलिंग प्लान्स की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। जियो के कारण दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को भी नुकसान का फायदा उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जियो कंपनी ने 399 का प्लान लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा ऑफर के साथ ऑफर सर्विसेज उपलब्ध कराई। हालांकि हम जियो हमेशा के लिए मुफ्त इंटरनेट और कॉलिंग उपलब्ध करा सकती थी, मगर दूसरी टेलीकॉम कंपनी की शिकायत पर तराई के निर्देश द्वारा जियो अपनी फ्री सर्विसेज वापस लेना पड़ा। लेकिन बता दें जियो तो जियो दोस्तों फ्री है इसकी कॉलिंग, जबकि जियो ने तराई कंपनी ने मना किया था लेकिन फिर भी फ्री कर रखा है। अलावा जियो में 64 KBPS की स्पीड पर इंटरनेट सर्विस को मुफ्त किया हुआ है। बिना रिचार्ज के जियो ग्राहक फ्री इंटरनेट कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं। जियो द्वारा ग्राहकों को मुफ्त में 1 साल तक दी जाएगी। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, सिलसिला जारी है। दोस्तों SBI भर्ती बड़े काम की है। दोस्तों बताया रहे SBI बैंक में क्लर्क की भर्ती निकली है 10 पदों पर। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों क्लर्क के लिए बहुत ही अच्छा है मौका, इसमें आपको 10th पास की जरूरत पड़ेगी, बताया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा ऑफर है, आपको इस पदों के लिए एजुकेशन योग्यता कम मांगा है। नौकरी के लिए आयु सीमा जिन पर पुष्ट कलर का 10 पद हैं, शैक्षणिक योग्यता कुल पदों की संख्या जैसी बजा रहे भारत में सभी जगह के लिए मान्य। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, बड़ी खबर दोस्तों 29 दिसंबर से बंद हो जाएंगे आपके मनपसंद चैनल। चालू करवाने के लिए 10 पैसे से लेकर 19 रुपये तक का चैनल चुकाना पड़ेगा। दोस्तों बताया जा रहा है 29 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। तराई ने घोषणा कर दी है कि जो फ्री चैनल मिलते थे आप नहीं मिलेंगे, 10 से 19 रुपये चैनल चुकाना पड़ेगा चार्ज। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने 29 दिसंबर को लागू कर दिया है नियम। अब दोस्तों आपको चैनल फ्री नहीं मिलेंगे, अब उसके बदले में आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब जो 200-250 रुपये के प्लान थे उसको अब 400 रुपये तक का पे करना पड़ेगा। स्पोर्ट या TV चैनल देखना चाहते हैं तो 600 रुपये का प्लान पे करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, बताया जा रहा है कि सोमवार को पेट्रोल डीजल के दामों में आई इतनी गिरावट, प्याज से फिर जनता पेट्रोल डीजल में कीमत में गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार सस्ते रहे कच्चे तेल का असर भारत में भी पेट्रोल डीजल कीमत दिख रहा है। सोमवार को सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल कीमत 21 पैसे रुपये घट गई, 19 पैसे दोनों महानगरों में आज के पेट्रोल और डीजल के भाव रहे। दिल्ली में बताया जा रहा है कि 72 रुपये कुछ पैसे डीजल का रेट रहे, 69 रुपये 86 पैसे पे आ गए। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, बताया जा रहा है कि पुराने ATM नए साल में हो जाएंगे ब्लॉक, तुरंत उठाएं कदम। बताया जा रहा है दोस्तों पुराने ATM जो विदाउट चिप कार्ड के हैं, वो ATM जो ब्लैक स्ट्रैपिंग का था उस कार्ड को बंद कर दिया जाएगा नए साल में। अब चिप वाले ही कार्ड चलेंगे दोस्तों, इसमें ATM कार्ड जो है चिप वाले यूज कर सकते हैं। ग्राहक रोजाना 2000 निकासी कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सेवा से जुड़े विरोध, बंद हो जाएगा ई वॉलेट, SBI का मोबाइल वॉलेट भी बंद हो रहा है। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, सिलसिला जारी है। दोस्तों दिल्ली में सोने की कीमत 230 रुपये, चांदी में 250 रुपये की कमी की। स्थानीय आभूषण विनेताओं की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत शुक्रवार लगातार दूसरे दिन तेजी से रही। सोना में 230 रुपये की बढ़त आई, जिसके बाद 32,230 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का रेट, और जबकि चांदी का रेट 250 रुपये कम हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना भी रेट कम देखने को मिला। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, रिपोर्ट में खुलासा, जानबूझकर सालों में कैंसर पैदा करने वाले पाउडर बेच रही कंपनी जॉनसन बेबी। आपने अक्सर देखा हो बच्चों के लिए जॉनसन बेबी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि USA कंपनी है। लंबे समय से आरोप चल रहे इसके बेबी पाउडर कैंसर होता है, इसके कंपनी लगातार इस आरोप को खारिज करती है। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कंपनी को आज नहीं दशकों पहले इस बात की जानकारी थी। इसके पाउडर पे एस्बेस्टस होता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बताया गया कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम किया उस समय, और कुछ लेडीजों ने कंप्लेन किया था USA में। इस पाउडर को अब ऑब्जेक्शन कर दिया गया है। अमेरिका की मिसौरी की अदालत ने बेबी पाउडर कैंसर होने की बताया। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, मकान खरीदने के लिए मोदी सरकार दे रही है छूट। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के मकानों पर लगने वाले GST की दर को 12% से 5% कर दिया, बताया जा रहा है। यानी मोदी सरकार GST 7% की राहत दे सकती है अगर मकान खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं तो। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, अब 15 जनवरी से पहनना होगा खास तरह का हेलमेट। दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर हेलमेट अगर आप 15 जनवरी से अगर ISI मार्क का यूज़ नहीं करते हैं या लोकल यूज़ करते हैं तो उस पर आपका चलान या जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार ने कर दिया टू व्हीलर चालकों की सुरक्षा के लिए मानक तय, ISI का ट्रेडमार्क होना चाहिए। अगली बड़ी खबर दोस्तों फटाफट देखते रहिए, इसमें से एक भी अगर आपने ऐसा यूज़ नहीं किया तो पासवर्ड हैक हो सकता है, जिसमें पासवर्ड में बताया जा रहा है ऑनलाइन अकाउंट चाहे ईमेल हो या फेसबुक पेमेंट वॉलेट फिर ऑनलाइन बैंक अकाउंट, नीचे दिए गए पासवर्ड
अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। बताया दोस्तों कि आप पासवर्ड का नॉर्मल अंकों के यूज़ करते हैं पासवर्ड, तो उस पासवर्ड को आप डिफरेंट कीजिए, हैश और ऐट द रेट का इस्तेमाल कीजिए बीच में, कोई सिंपल है नाम या अपने मोबाइल नंबर से यूज ना कीजिए, ये पासवर्ड ज़्यादा हैक होते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, फटाफट देखते रहिए, देश के सबसे लंबे पुल का करेंगे मोदी जी उद्घाटन। बताया सड़क पर बनाया गया है रेलवे के लिए पुल, डबल लाइन इस पर ब्रह्मपुत्र नदी पे लंबे पुल सड़क पर बोगीबील पुल से गुजरने वाली पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पुल की आधारशिला साल 1997 तत्कालीन प्रधानमंत्री अजीत देवगौड़ा ने रखी थी। उसके बाद 2002 में इस लंबा रेल सड़क और पुल एक साथ निर्माण किया गया, जो कि फिर उसके बाद अटल जी ने इसको काम शुरू किया, उसके बाद उद्घाटन करने का मौका मिला मोदी जी को। अरुणाचल प्रदेश में चीन की चुनौती और सीमा की जरूरतों को देखते इस पुल को काफ़ी अहम बताया जा रहा है। ये चीन की बॉर्डर से लगा हुआ है दोस्तों। अगली बड़ी खबर दोस्तों, फटाफट देखते रहिए, अभी अभी अगर बताया जा रहा है कि दरअसल देश में प्रमुख सरकारी बैंक तीन बैंक जो हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजय बैंक, के तीनों बैंकों को एक में विलय किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़ा बैंक SBI बैंक है, दूसरे पे ICICI बैंक, अब तीनों बैंकों को बना करके एक बैंक कर दिया जाए। इसमें अगर आपका खाता है तो दोस्तों आप अपने पेमेंट ट्रांजेक्शन कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से रीओपन कराया जाएगा, KYC अपडेट कराया जाएगा किसी भी तीनों बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजय बैंक, देना बैंक, तीनों बैंकों को बना करके एक बैंक कर दिया जाए, कोई भारत में तीसरा स्थान पर होगा ये बैंक। इसमें पेपर वर्क काफ़ी बढ़ जाएगा, ग्राहकों को खाता खोलने के लिए भी KYC अपडेट कराना पड़ सकता है दोस्तों। फटाफट देखते रहिए, विजय बैंक आप जिसका तीसरा बैंक होगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों, फटाफट देखते रहिए, 1 जनवरी से मोबाइल पर लागू हुए 5 बड़े नियम हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे देश में लागू, जिसमें आप सभी को रोजाना बेहद अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खबर जरूरी है दोस्तों। बताया जा रहा है कि पर्यावरण रक्षा के लिए टेलीकॉम कंपनी ने जियो, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL जैसी बड़ी कंपनियों ने अब पेपर बिल को अगले साल से बंद करने का फैसला किया है। नए साल में अगर आपके पोस्टपेड कनेक्शन थे या कोई भी लैंडलाइन कनेक्शन थे, बिल आते थे, अब बिल नहीं आएंगे दोस्तों, अब ईमेल के जरिए ही बिल भेजा जाएगा। पेपर को कम करने के पर्यावरण को देख के मोदी सरकार का नया कदम है। बताया जा रहा है कि पेपर की वजह से पेड़ पौधों को ज़्यादा कटिंग किया जा रहा है, उसको पर्यावरण को रोकने के लिए अब पेपर का इस्तेमाल कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस हो। बड़ी खबर दोस्तों, फटाफट देखते रहिए, जियो ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3000 वाला प्लान लेकिन मात्र इतने में इंटरनेट कॉलिंग प्लान्स की गिरावट आई। जियो कारंटेल कंपनी ने सभी पुराने महंगे प्लान नए सस्ते प्लान ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए हैं, देखते हुए मुकेश अंबानी जी भी इस प्लान को लॉन्च कर दिया है। और बताया जा रहा है कि ग्राहकों के लिए 2 वर्ष में सबसे ऑफर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों, वाजपेयी की स्मृति में बनाया गया कल 100 रुपये का सिक्का, जो कि पूर्व संध्या संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में सिक्का जारी किया। संसद भवन के रेक्सी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और के साथ सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। अगली बड़ी खबर, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया टीम की इंडिया धोनी का भी हो गया चयन, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी का चयन नहीं किया गया था। धोनी की टीम में नहीं चुने जाने से काफ़ी अटकलें लगाई थी, धोनी के पसंद को भी ये बात खल गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धोनी की भी इंट्री हो सकती है, अच्छी खबर है। मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया जा सकता है। वनडे टीम में नहीं होंगे बदलाव, भारतीय वनडे क्रिकेट में फिलहाल बदलाव का आसार नहीं नजर आ रहा है।